हेलो एवरीवन, आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ सूजी के गुलाब जामुन की रेसिपी। तो ये सूजी के गुलाब जामुन बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं खाने में और बनाने में भी बहुत इजी है। ये बहुत सॉफ्ट बन के रेडी होते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं इसकी रेसिपी। तो सबसे पहले हमें इसकी चाशनी तैयार करनी होती है। तो मैंने यहाँ पर एक बर्तन में एक गिलास पानी लिया है और आधा गिलास मैंने चीनी ऐड किया है। जितना पानी उसका हाफ मैंने चीनी लिया है यहाँ पर। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से बनाएं, जितना आप रसगुल्ले रेडी कर रहे हैं उसके हिसाब से चाशनी बनाएं। और इसे बीच बीच में हमें चलाते रहना है और इसे बॉईल करना है। और यहाँ पर मैंने लगभग एक कटोरी सूजी ली है और इसे हमें ब्लेंडर में इसे एक दो बार चला लेना है। बहुत ज़्यादा पाउडर फॉर्म में नहीं करना है, हमें बहुत ज़्यादा पाउडर फॉर्म में नहीं करना है, मीडियम थोड़ा सा बस इसे पीस लेना है मिक्सी में। आप जैसा भी सूजी ले थोड़ा सा मिक्सी में पीस ले। और यहाँ साथ में मेरी चाशनी भी रेडी हो रही है, इसमें मैंने छोटा सा नींबू का टुकड़ा एक ऐड कर दिया है। इससे इसकी जो भी गंदगी होगी वो निकल जाएगी और चाशनी बहुत अच्छा कलर आएगा चाशनी का। और थोड़ी देर के बाद मैंने इस नींबू को बाहर निकाल दिया है और हमें आप देख सकते हैं इस पिक्चर में जैसे एक तार की चाशनी हमें बना के रेडी कर लेना है। दूसरे साइड हमने यहाँ पे एक कढ़ाई लिया है। कढ़ाई में मैंने घी लिया है 2 चम्मच। और घी जब हमारा हल्का गर्म हो जाएगा, इसके साथ साथ मैं इसमें दूध भी ऐड कर ले रही हूँ। जितना सूजी आप ले रहे हैं उसका डबल आपको दूध लेना है। तो मैंने डबल दूध ले लिया है और इसे हमें एक बॉइल आने तक बॉइल कर लेना है, गर्म कर लेना है। एक बॉइल आने तक इसे हल्का गर्म कर लेना है। दूध में जैसे ही एक बॉईल आएगा, इसमें अब हम धीरे धीरे सूजी ऐड करेंगे। एक बार में पूरी सूजी नहीं ऐड करें, थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करते जाए और मिलाते जाए। इसमें लम्स नहीं पड़ने चाहिए, लम्स नहीं होने चाहिए। थोड़ा थोड़ा इस ले करके ऐड करें और इसे मिलाते जाए। गैस का फ्लेम सिम कर लें आप और इसे मिलाना है। जितना सूजी आप ले रहे हैं उसका डबल आपको दूध लग जाएगा इसमें। और इसे अच्छी तरीके से मिलाते रहें लो फ्लेम पर ही। और ये अच्छी तरीके से इसका एक डो रेडी हो जाएगा। धीरे धीरे इसे मिलाते रहना है दूध में इसी तरीके से। आप मेरी रेसिपी से बनाएंगे तो आपके जो रसगुल्ले में जो क्रैक्स आ जाते हैं वगैरह वो सब कुछ भी नहीं आएंगे। रसगुल्ला बहुत अच्छा बनेगा, आपके गुलाब जामुन बहुत टेस्टी बनेंगे और खाने में भी बहुत टेस्टी रहेगा, सॉफ्ट रहेगा बिल्कुल। और फ्रेंड्स, अगर पहली बार आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए, इसे धीरे धीरे हम लोग इसी तरीके से लो फ्लेम पे बनाते रहेंगे और ये धीरे धीरे एक डो के फॉर्म में बन जाएगा। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है फ्रेंड्स, सिर्फ 2 मिनट में, 2 से 3 मिनट में ये रेडी हो जाता है। और इसे बस इसी तरीके से चलाते रहना है, मिलाते रहना है। ये देखिए, ये धीरे धीरे रेडी होने लगा है और धीरे धीरे ये नीचे से जब चिपकना छोड़ देगा तो ये आप समझ लीजिए कि ये रेडी हो गया है। से देखिए, अब ये धीरे धीरे नीचे से चिपकना छोड़ रहा है, चिपक नहीं रहा है नीचे कढ़ाई में। ये देखिए, ये हमारा डो बन के रेडी हो चुका है। अब ये तो अब इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। और आप चाहे तो इसमें इलायची पाउडर ऐड कर सकते हैं, इलायची पाउडर भी ऐड करके इसमें आप मिला दें। और एक बर्तन में मैं घी लगा ले रही हूँ थोड़ा सा नीचे में। और इसमें जो हमारा जो सूजी का जो रेडी हो गया था गुलाब जामुन का जो डो वो रेडी हो गया, उसे मैं डाल ले रही हूँ। और इसे हमें ढक के देना है, आधे घंटे के लिए ढक के छोड़ देना है, ढक कर रखना है ताकि ये अच्छी तरीके से ठंडा हो जाए। पूरी तरीके से ठंडा होने देना है हमें इसे। पहले थोड़ी देर के लिए इसे ढक कर इसी तरीके से छोड़ देना है ताकि ये ठंडा हो जाए। और ये देखिए, थोड़ी देर लगभग 20-25 मिनट के बाद मेरा ये ठंडा हो चुका है डो। और इसे अच्छी तरीके से हाथों से मिला लेना है थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट के लिए। आप जब तक मिलाइएगा ये खुद ही चिकना जैसा हो जाएगा। आप मिलाइएगा तो इसे आपको चिकना जैसा लगेगा। देखिए, एक बहुत ही सॉफ्ट सा डो रेडी हो जाएगा। थोड़ी देर इसे मिलाना है, उसके बाद हम लोग इसे की गोल गोल गुलाब जामुन रेडी करेंगे। तो ये देखिए, ये तो रेडी हो चुका है, मेरा डो रेडी हो चुका है। और इसे मैं छोटे छोटे, आप जैसा भी शेप देना चाहें आप वैसा शेप दे सकते हैं, लंबा शेप भी दे सकते हैं, राउंड शेप भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पर राउंड शेप में बना रही हूँ। ये देखिए, हमें इसे गोल कर लेना है इस तरीके से। इसी तरीके से सारे गुलाब जामुन हमें रेडी कर लेना है, जो भी शेप आप देना चाहें।
तो ये देखिए मैंने सारे बना लिए हैं और अब हम इसको तलेंगे। तो गैस पे मैंने कढ़ाई रखा है, इसमें मैंने घी डाला है और गैस के फ्लेम को आप बहुत ज़्यादा तेल गरम तेल में ना डालें गुलाब जामुन, नहीं तो वो जल सकते हैं और क्रैक भी आ सकते हैं उनमें। और बहुत ज़्यादा इन्हें चलाना भी नहीं है, बस आप धीरे से डालकर छोड़ दीजिए इसमें। और मीडियम फ्लेम पे इसे हमें फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं करना है। और एक बार में आप बहुत ज़्यादा भी नहीं डालें, 4-5 डाल करके थोड़ा थोड़ा करके आप फ्राई करें। और एक स्टार्टिंग में आप नहीं चलाएं, छोड़ दें, उसके बाद थोड़ी देर के बाद बीच से एक बार चला दें ताकि नीचे से ये जले नहीं बीच वाला। स्टार्टिंग में इसे डालकर छोड़ दें, उसके बाद धीरे धीरे हल्के हाथों से इसे चलाएं और धीरे धीरे ये रेड हो जाएगा, ब्राउन कलर का हो जाएगा, फिर हमें इसे बाहर निकाल लेंगे। देखिए बाहर निकाल लिया, ये रेडी हो चुका है। और इसी तरीके से सारे गुलाब जामुन फ्राई करके पहले आप निकाल लें, उसके बाद एक साथ ही उसे चाशनी में डुबाएं। तो चाशनी को भी जब भी आप चाशनी में से डालें तो चाशनी को पूरी तरीके से गर्म कर ले पहले। चाशनी हमारी गर्म होनी चाहिए, उसके बाद आप उसमें गुलाब जामुन ऐड करें। तो चाशनी मेरी गर्म है, मैंने फिर से गर्म कर लिया था चाशनी को। उसके बाद आप इसमें गुलाब जामुन डालकर इसे ढककर छोड़ दें 1-2 घंटे के लिए, ताकि जो सारी जो गुलाब जामुन है उसके अंदर तक चाशनी अच्छे तरीके से सोख हो जाए। और गुलाब जामुन आपको बस इसे ढककर थोड़ी देर के लिए छोड़ दे, 1/2 घंटे 2 घंटे के लिए। और ये देखिए गुलाब जामुन बनके रेडी हो चुका है। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, मैं आपको इसे कट करके भी दिखाती हूँ। और इसे आप बादाम पिस्ता से इसे आप सजा सकते हैं। तो ये देखिए गुलाब जामुन बनके रेडी हो चुका है और ये मैं आपको दिखाती हूँ ये कितना सॉफ्ट बना है। ये देखिए मैं इसे कट करके बता रही हूँ आपको कितना सॉफ्ट बना है। ये देखिए ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बना है और अंदर तक बिल्कुल सॉफ्ट बना है। ये बहुत अच्छा गुलाब जामुन बनके रेडी होता है। तो वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक।